हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो हम लेकर आ गए आपके लिए एक और नया लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर का एडिशन, जो कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर को लिखा जाता है, मतलब आई जे और के रूप में जैसे लिखा जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के रूप में, तो उसको एडिशन, उनका एडिशन कैसे करेंगे, उस चीज को आज हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। इन सभी चीजों को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे, और जो भी चीजें मैं आज बताऊंगा उसका एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, जिससे वो टॉपिक आपको क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और बाकी मैं पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने यूनिट वैक्टर के बारे में बताया था, और कंपोनेंट ऑफ 2D, मतलब 2D में अगर कोई भी वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, उसको मैंने प्रूव करके दिखाया था। तो पिछला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास के एडिशन को समझने के लिए पिछला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी दोनों वेक्टर आप बाकी दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर आप आसानी से वैसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो पिछला लेक्चर में हमने वही कंपोनेंट ऑफ 2D के बारे में बात किया था, और यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर का एक एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में बात किया था। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, मतलब उसको कार्टेशियन में कैसे यूज करते हैं, और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, इन सभी सारे टॉपिक को, जो वेक्टर एडिशन के जो बेसिक्स होते हैं वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग अपना यही सारे टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कॉपी पेन हमेशा की तरह मैं जैसे कहता हूँ, कॉपी पेन जरूर निकाल के बैठिए, जिससे आपको क्या होगा कि जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है, एक बार उसको अपने से लिखने का ट्राई करिए और उसको अपने तरीके से समझने का कोशिश करिए, जिससे आपको क्या होगा, वो टॉपिक कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहले जानना है वेक्टर एडिशन कार्टेशियन फॉर्म का। वेक्टर एडिशन किसका, कार्टेशियन फॉर्म का हमको वेक्टर एडिशन जानना है। वेक्टर एडिशन किसका, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन मतलब क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कार्टेशियन मतलब क्या होता है, कि जहां पे एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट की बात हो, या एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात हो, या जहां पे एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट की बात हो, तो वहां पे आपका क्या होता है वेक्टर, उस चीज को लेकर हम लोग क्या सीखेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। एक तो एडिशन मैंने वेक्टर का बताया था, जो कि ट्रायंगुलर लॉ, और आपका ट्रायंगुलर लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, और एक लॉ बताया था पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, इन तीनों से भी हमारा वेक्टर एडिशन हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जब हम लोग आ जाते हैं कार्टेशियन में, तो उसका कुछ रूल चेंज हो जाता है, उसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, हमेशा हमको ट्रायंगुलर लॉ ये सब लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो चलिए हम अपना वेक्टर एडिशन समझने के लिए पहले मैं एक कोऑर्डिनेट बना देता हूं। जैसे ये आपके दो कोऑर्डिनेट हैं, और दो कोऑर्डिनेट आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं, एक्स और वाई एक्सिस हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हों, इस तरीके से दिए गए हैं। मान लीजिए कि एक वेक्टर ए आपका इस तरीके से है, एक वेक्टर ए आपका इस तरीके से है, और एक वेक्टर बी आपका इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से ए बी वेक्टर इस तरीके से इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, एक्स वाई प्लेन में दिए गए हैं। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस के अंदर दिए गए हैं, तो इसका हमको रिजल्टेंट बताना है, इसको ऐड करके बताना है, तो कैसे ऐड होगा ये हम लोग आइए सीखते हैं। ठीक है, या हमको मान लीजिए डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि मान लीजिए हमको ए की, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है, ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है ए एक्स आई कैप,
क्योंकि हमको कार्टेशियन में समझना है, तो हमने मान लिया कि जो ए का जो एक्स पे कंपोनेंट है वो ए एक्स है, और जो आपका बी है उसका एक्स पे कंपोनेंट कितना है, बी एक्स है। तो बी ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, और बी वेक्टर भी आपको दिया गया है, बी वेक्टर भी दिया गया है आपका, ए आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, और आपका बी का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, बी एक्स आई कैप, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ठीक है, इस तरीके से दो वेक्टर दिया गए हैं, तो हमको क्या करना है, ए और प्लस बी हमको निकालना है, ए प्लस बी हमको कैलकुलेट करना है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए, आपको हमेशा देखने को मिलेगा इस तरीके का क्वेश्चन, जहां पे आपको मान लीजिए कि थ्री है, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप है, और अपॉन नीचे बी एक और वेक्टर दिया गया है फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेगा। तो ये इसका बेसिक है, आज हम लोग इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि इसका एडिशन क्यों, हम लोग डायरेक्टली आपको एडिशन इसका आता ही होगा, क्या होता है कि हम लोग अगर इन दोनों को ऐड करना है तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, जो x और x मतलब i और i कैप जो है उसको साथ में ऐड करते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, और प्लस क्या लिख देते हैं यहाँ पे बी वाई बी सॉरी यहाँ पे ए वाई रहेगा, यहाँ पे ए वाई रहेगा, यहाँ पे ए वाई कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ए वाई प्लस आपका बी वाई जे कैप आपका एक साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस चाहता तो मैं इस तरीके से डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता और आप लोग ऐड करना सीख जाते कि किस तरीके से ऐड होगा, लेकिन इसका मेन प्रूफ क्या होगा, हमको दो वेक्टर दिया गया है, इनकी वैल्यू दी गई है कार्टेशियन फॉर्म में, और इन वेक्टर को हमको ऐड करके निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर इस तरीके से एक ऑर्डर में दिए गए हों तो उनका जो थर्ड साइड होगा वही आपका, जो थर्ड साइड अपोजिट डायरेक्शन में लिया गया है वही आपका उसके रिजल्टेंट को बताएगा। ये चीज मैंने ट्रायंगुलर लॉ में आपको बताई है, तो इस तरीके से आपका इसका रिजल्टेंट दिखेगा। ठीक है, रिजल्टेंट आर मान लीजिए ये है और इसी की वैल्यू हमको चाहिए, और रिजल्टेंट आर बराबर क्या है, ए प्लस बी है, या इसको कैपिटल आर कर लेते हैं, इसकी इसकी वैल्यू कैपिटल आर हो गई। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला कैसे प्रूव करेंगे। देखिए मान लीजिए कि ए है, ए वेक्टर है, इसका कंपोनेंट क्या होगा, कैसे कंपोनेंट लिखा जाता है, इसको मैंने पिछले क्लास में बताया था कंपोनेंट फॉर्म इन 2D वाले में, तो वहां पे हमारा एंगल के रेस्पेक्ट में था, मतलब यहाँ पे थीटा एंगल दिया गया था, इसलिए हमने ए एक्स कॉस थीटा के रूप में लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल की बात नहीं हो रही है, अगर यहाँ पे देखिए पिछले क्लास में मैंने बताया था, तो इस तरीके से कोई वेक्टर दिया गया था तो यहाँ पे एंगल थीटा था, तो जहां पे आपका एंगल मान लीजिए ये ए वेक्टर है, तो ए एक्स कॉस थीटा हमने इस तरीके से निकाला था, प्रूफ किया था, तो यहाँ पे एंगल की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे केवल हम ए एक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ए है तो इसका इसका यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, एक पैरेलल लाइन बना देते हैं, मतलब एक एक आपका रेक्टेंगल बना देते हैं, जिसमें क्या होगा कि जो अगर हम लोग एक्स के ऊपर इसका कंपोनेंट देखेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स आएगा, क्या आएगा, मतलब इसका अगर x के x एक्सिस पे अगर a का कंपोनेंट देखा जाए तो ए एक्स आएगा, ये तो बिल्कुल सही है। तो और जो कंपोनेंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें मैंने कंपोनेंट के बारे में बताया है कि कैसे कंपोनेंट आपके लिखे जाते हैं। ठीक, तो a का एक कंपोनेंट x एक्सिस पे ए एक्स होगा और y एक्सिस पे ए वाई होगा, जिसकी वैल्यू यहां से यहां तक है। ठीक है, इस तरीके से वहीं पे बात करें b का कंपोनेंट, तो b का कंपोनेंट यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक,
ठीक है। तो यहाँ पे बी का जो कंपोनेंट इतना आएगा इस तरीके से, ये जो लेंथ है यही बी के कंपोनेंट को दिखाएगा एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, बी एक्स हो गई मान लीजिए, और मान लीजिए कि जो ये वाला कंपोनेंट है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बी वाई हो गई। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों को मैंने कंपोनेंट मान लिया। और वहीं पे बात करते हैं आर की, जो ये आर वेक्टर है, जो रिजल्टेंट है हमारा, वो रिजल्टेंट का, अगर रिजल्टेंट का हमको कंपोनेंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे हमारा, ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सीधा बी पे, बी के ऊपर ही आएगा, मतलब इस तरीके से बी के ऊपर ही आएगा आर का। आर का हम लोग क्या कर रहे हैं, आर का कंपोनेंट हमको चाहिए तो आर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ये क्या आ जाएंगे, इस बी वाले पे आ जाएंगे। तो आर का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे ये बी एक्स तक जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, आर एक्स होगी। ठीक है, और एक कंपोनेंट आपका इस पे आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, आर वाई होगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट आर बराबर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आर बराबर, चूंकि ट्रायंगुलर लॉ से हमको पता है कि आर बराबर ए प्लस बी होता है, तो अगर रिजल्टेंट का अगर हम लोग कंपोनेंट को, अगर रिजल्टेंट को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, या उसके कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आर एक्स आई कैप और प्लस आर वाई जे कैप, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आर को हम लोग आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम जानते, आप देखिए आर एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर है, जो यहां से यहां तक की दूरी है ये इतना पार्ट ए एक्स है और इतना पार्ट बी एक्स है, तो इन दोनों का एडिशन जो होगा वो आर एक्स के बराबर होगा। मतलब आपको आर एक्स की वैल्यू यहां से मिल गई, वो क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स है, और आर वाई की वैल्यू हमको पता चल गई ए वाई प्लस बी वाई है। ठीक है, आर वाई मतलब ए वाई प्लस बी वाई कर देंगे तो वही वैल्यू पूरी कितनी है, आर वाई के बराबर है। ठीक है, तो ये आर एक्स और आर वाई की वैल्यू ले जाकर इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग पुट कर देते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, और आपका प्लस क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई बी वाई जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आई कैप रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका बी एक्स पे ही है, तो एक्स का जो यूनिट वेक्टर होता है, एक्स पे जो यूनिट वेक्टर वो भी आपका आई कैप ही होता है, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एक्स प्लस ए आपका क्या था, ए एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ पे आई कैप ऐड कर दीजिए और वाई वाले पे जे कैप ऐड कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमने यूनिट वेक्टर यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जो हमारा जो आर एक्स और आर वाई की वैल्यू है उसको डायरेक्टली ले जाकर यहाँ पे पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी। मतलब ये सारी चीजें बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए है, बाकी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इस पे से और आपको एकदम ये वाला टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे दो वेक्टर इस तरीके से दिए गए हों कार्टेशियन फॉर्म में तो उनको कैसे ऐड करना है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब वहीं पे बात करें कि इस रिजल्टेंट जो आया है हमारा a प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड हमारा कैसे निकलेगा, क्योंकि हर वो चीज जो भी वेक्टर है उसके पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे इसमें बस एडिशन की बात हो रही है तो इसमें मैग्नीट्यूड तो पूछेगा नहीं। ठीक है, डायरेक्टली आपसे एडिशन पूछेगा, मैग्नीट्यूड मैं जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताऊंगा या पोजीशन वेक्टर बताऊंगा तो वहां पे कैसे मैग्नीट्यूड निकलेगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है,
यहाँ पे आपसे बस केवल पूछेगा कि इन दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आएगा आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू क्या आएगी, मतलब आर बराबर क्या है, आर हमारा ए प्लस बी वेक्टर के बराबर है। तो यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी कैसे होगा, ए एक्स वाले पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे, वाई वाले कंपोनेंट मतलब आई और आई कैप जितने भी रहेंगे उसको एक साथ ऐड करना है, और जे कैप वाले जितने रहेंगे उनको एक साथ ऐड करना है। तो ये सारी चीजें थी कि वेक्टर का एडिशन जो कार्टेशियन फॉर्म में होगा उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे। आइए अब एक क्वेश्चन आप देखिए, आपको पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे बात करें, ये आपका तो एडिशन दो चीजों के लिए था, मतलब यहाँ पे ए एक्स आई कैप था, ए वाई जे कैप था। अगर इसके साथ ए जेड के कैप भी देता तो आपको एडिशन कैसे करना है इसको भी देख लीजिए। इसका भी फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मतलब हम लोग यहाँ पे कितने वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, दो से ज्यादा वेक्टर को अगर ऐड करना हो इस मेथड से, अगर दो से ज्यादा वेक्टर दिए गए हो या कितने भी वेक्टर दिए गए हो अगर उनको ऐड करना है तो हमको डायरेक्टली यही वाला रूल अप्लाई करना है, हमको कोई भी ट्रायंगुलर लॉ अब नहीं लगाना है। अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया हो है तो उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला एडिशन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, या मैं पहले आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं। तीन वेक्टर अगर दिए गए हों, अगर के कैप वाला भी दिया गया है तो क्या करेंगे, ए एक्स वाई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, इस तरीके से तीन वेक्टर, और बी वेक्टर भी दिया गया हो यहाँ पे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस तरीके से तीन वेक्टर आपके के वाला भी मतलब जेड एक्सिस वाला भी आपका यूनिट वेक्टर दिया गया हो तो इसका एडिशन कैसे करेंगे, मतलब ए प्लस बी हम कैसे करेंगे। तो ए प्लस बी हमको निकालना है, तो हम जानते हैं ए प्लस बी आपका रिजल्टेंट के बराबर आता है, तो इसका भी फार्मूला आपका डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स करेंगे, आई कैप लगा देंगे, प्लस यहाँ पे ए वाई प्लस बी वाई मतलब y को y वाले टर्म पे, या j j कैप जहां पे भी रहेगा उसको एक साथ ऐड करेंगे, प्लस आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका ए जेड प्लस बी जेड बढ़ा तो इसको जैसे नॉर्मल तरीके से हम लोग ऐड करते हैं उसी तरीके से इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये चीज कैसे लिखी गई इसको मैंने बस यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है कि ये चीज आपकी आई कहाँ से, हम लोग क्यों इसको डायरेक्टली इसको आई को आई के साथ ऐड कर रहे हैं, हम क्यों ए एक्स को बी वाई के साथ क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ये फॉर्मूला जो आया है ये क्लियर कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए हम लोग यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला आप याद तो करना नहीं है, ये आपका, ये आप जब बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब कई क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर आपको दिया गया है 5i कैप प्लस 6j कैप इस तरीके से, और बी वेक्टर दिया गया है 6i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है, इस तरीके से दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी क्वेश्चन में पूछ रहा है, ए प्लस बी पूछ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, आई को आई वाले के साथ ऐड करेंगे, मतलब 5 + 6i कैप प्लस 6 + 7j कैप, मतलब जे कैप वाला एक साथ रहेगा, आई कैप वाला एक साथ रहेगा। यही रूल हमेशा, अगर आपका यहाँ पे 7k कैप और 8k कैप भी बढ़ जाता तो यहाँ पे बस यहाँ पे के वाले को अलग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों एग्जांपल आपका एक ही क्वेश्चन में हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 11i कैप आ जाएगा और 7 6 यहाँ पे 13 j कैप आ जाएगा। तो a प्लस बी का जो फॉर्मूला आ गया वो आपका कितना आ गया, ये आ गया।
ठीक। तो ये क्वेश्चन क्लियर है कि ये वाला चीज, ये जो फॉर्मूला हमने जो डायरेक्टली ऐड किया है वो आया कहां से, उसको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, बाकी उस प्रूफ को आपको याद नहीं रखना है, वो कभी पूछा नहीं जाता है, आपको बस एक तरीका बताया गया कि वो चीज कहां से आई है, क्योंकि हर चीज का मतलब जानना बहुत जरूरी है। कि फिजिक्स में अगर ये चीज अगर आपको क्लियर है, अगर आपको पता है कि कोई चीज कहां से आई है, फिजिक्स में कैसे, इसको क्यों हम लोग फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं, इस चीज का जिस दिन आंसर आपको मिल जाएगा उस दिन वो टॉपिक आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो हमेशा जो भी टॉपिक पढ़िए उसमें ढूंढने की कोशिश करिए कि वो टॉपिक आया कहां से। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। चलिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है आइए देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर इसके नाम से ही पता चल रहा है, पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट का पोजीशन बताए, किसी पार्टिकल का पोजीशन बताए, मतलब एक ऐसा वेक्टर है हम लोग का, एक ऐसा, ये दोनों इसको अलग क्यों, मतलब ये क्या है, वेक्टर के टाइप्स ही हैं, लेकिन इन दोनों को अलग क्यों बताया जा रहा है, ये क्योंकि इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है, इन दोनों का बहुत यूज है, इन दोनों वेक्टर का इस पूरे चैप्टर में बहुत यूज है, तो इसलिए इन दोनों वेक्टर को अलग से बताया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपको पोजीशन वेक्टर समझना है, तो पोजीशन वेक्टर जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा वेक्टर जो कि किसी वेक्टर के पोजीशन को बताए, किसी पॉइंट के पोजीशन को बताए, मतलब स्पेस में कोई भी अगर इसका डिफिनीशन नहीं, मैं वैसे ही बता दे रहा हूं कि अगर कोई पार्टिकल क्या है, कोई पार्टिकल है वो क्या है, स्पेस में है, तो उसके पोजीशन को क्या करता है, उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करता है, उसके पोजीशन को बताता है, पोजीशन के साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड को बताता है, उसके डायरेक्शन को बताता है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं पूरे टॉपिक क्लियरली आपको समझा दूंगा, तो ये भी टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसा पार्टिकल जो कि किसी भी स्पेस में कोई भी पॉइंट रखा गया है, स्पेस में पॉइंट से रखने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस है यहाँ पे, और अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट पी है, और अगर हमको इसका पोजीशन बताना है तो इसका पोजीशन हम कैसे बताएंगे और क्या होगा इसका पोजीशन, उसको हम लोग आज सीखेंगे कि अगर स्पेस में कोई भी पार्टिकल है तो उसका अगर पोजीशन बताना है तो हम लोग फिजिक्स में कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि पोजीशन वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, पोजीशन वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, अगर मैं कहूं आपसे कि मान लीजिए ये डीएनएस आपका ऑफिस क्या है, डीएनएस ऑफिस है पांडेपुर में, आपका ये ऑफिस प्रेजेंट है इस समय। ठीक है, तो पांडेपुर में अगर ये ऑफिस पे आपको पहुंचना है तो डीएनएस आपका क्या है, डीएनएस पे आपको मान लीजिए पहुंचना है, डीएनएस ओरिजिन है आपका। ठीक है, डीएनएस ओरिजिन है, डीएनएस पे आपको पहुंचना है, ये आपका क्या होता है, ये ओरिजिन होता है, क्या होता है, ओरिजिन। तो डीएनएस पे मान लीजिए आपको डीएनएस के मेन ऑफिस पे आपको पहुंचना है, आपको आना है, अभिमान सर ने मान लीजिए आपको बुलाया है, तो अगर अभिमान सर ने अगर आपको बताया कि डीएनएस ऑफिस आइए, पांडेपुर से आकाश ज्वेलर के बगल से जो गली गई है उसके अंदर आ जाइए, वहीं पे हमारा ऑफिस प्रेजेंट है, तो अभिमान सर ने जो आपको डीएनएस का जो पता बताया उसमें एक रेफरेंस पॉइंट ऐड किया, जो आपका आकाश ज्वेलर्स जो आपका है उसके बगल वाली गली में आना है, तो आकाश ज्वेलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एक रेफरेंस पॉइंट को बता रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट को।
ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है जिसके थ्रू हम लोग ओरिजिन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट तो आपका ये है, रेफरेंस पॉइंट मतलब रेफरेंस पॉइंट जो पॉइंट मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिया जाए वही आपका क्या है, हमको पहुंचना कहाँ था, डीएनएस पे पहुंचना था। ठीक है, तो हमने क्या आपको बताया गया कि आकाश ज्वेलर के बगल से जो गली गई है वहां पे आना है। तो आकाश ज्वेलर आपका क्या हो गया, अगर मैं किसी से कह भी दूं कि आकाश ज्वेलर्स के बगल से गली है तो वो समझ जाएगा, अगर वो एरिया को जानता है तो वो समझ जाएगा कि हाँ आकाश ज्वेलर्स यहाँ पे है और वो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकता है। तो अगर डीएनएस के पोजीशन को ये आकाश ज्वेलर क्या कर रहा है, इस डीएनएस के पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है, मतलब बता रहा है इसके पोजीशन कि ये कहां पे स्थित है, इसको बता रहा है। तो यही काम ये वाला वेक्टर करता है कि स्पेस में कोई भी पॉइंट है अगर उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हो तो उसके पोजीशन, उसका पोजीशन क्या होगा वो आपका पोजीशन वेक्टर बताता है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का सीधा सा डिफिनेशन क्या हो गया कि ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश जो कि किसी भी वस्तु या पार्टिकल का, किसी वस्तु का किसी वस्तु के आपके स्थिति को बताए, उसके पोजीशन को बताए स्पेस में अगर वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमको इस पॉइंट पी का पोजीशन पता करना है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन हमारा क्या है, हम ओरिजिन हमारा क्या है, आपका डीएनएस है, तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट पे पहले आएंगे ना। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा मान लीजिए आकाश ज्वेलर्स यहाँ पे है, तो मान लीजिए आकाश ज्वेलर्स हम इस तरीके से, सॉरी दूसरा पेन ले लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या पहुंचेंगे, पहले रेफरेंस पॉइंट पे पहुंचेंगे, मतलब आकाश ज्वेलर्स के पास पहुंचेंगे। तो मान लीजिए हमने यहां तक आया, ये हमारा आकाश ज्वेलर इस तरीके से यहां से आया और इस तरीके से यहां पे पहुंच गया। ठीक है, मान लीजिए एक तरीका ये है कि हमने आकाश ज्वेलर पे इस तरीके से पहुंच गया। ठीक है, तो ये दूरी कितनी है, मान लीजिए एक्स है, ये आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो दूरी है आपका मान लीजिए एक्स है। और या तो हम लोग कैसे जा सकते हैं, या तो हम लोग चाहे तो डायरेक्टली हम लोग इस पॉइंट पे जा सकते हैं। ठीक है, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ओरिजिन के रेफरेंस पॉइंट पर हम लोग डायरेक्टली, किसी को और डायरेक्ट रास्ता पता है तो वो उस तरीके से भी जा सकता है, या मैं और एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कोई, अगर आपको आपको किसी ने बाजार भेजा और बाजार भेजा तो वहां पे आपको कुछ सामान लाने के लिए भेजा सब्जी की दुकान पे। ठीक है, तो सब्जी के दुकान पे अगर आप गए हैं सामान लेने, तो मान लीजिए कि फिर मैंने आपको फोन किया और बोला कि अभी कहाँ हो, ठीक है, अपने पोजीशन को बताओ, या आप उससे कह रहे हैं कि तुम अभी कहाँ पहुंचे, कहाँ पे हो, तो आपने बताया कि हाँ ये आपका दुकान है, हम मान लीजिए कि कोई भी आपका जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर के बगल में है। ठीक है, मान लीजिए जनरल स्टोर का कुछ भी नाम हो सकता है, शांति जनरल स्टोर है मान लीजिए, तो उस जनरल स्टोर के पास मैं खड़ा हूं, तो आपके जो मैंने आपको जब फोन किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप किस पोजीशन पे यहाँ प्रेजेंट है। तो उस पोजीशन को किसके द्वारा बताया गया, एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में बताया गया, और रेफरेंस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा ओरिजिन को बताता है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन है और वहां पे और जहां पे हमारा पोजीशन है, जिस दुकान के पास पोजीशन है, ये पॉइंट पी है आपका। ठीक है, तो ये था, इसको मान लीजिए कि इस पोजीशन पे मैं एक्स और वाई के रूप में इस तरीके से पहुंच सकता हूं। मान लीजिए ये आपका दूरी कितना तय किया, ये आपका एक्स दूरी, ये मान लीजिए वाई। अब वाई कैसे हुआ, मान लीजिए इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे इतनी दूरी आपकी कितनी है वाई, तो ये दूरी जब वाई होगी तो ये भी दूरी आपकी क्या होगी, वाई ही होगी। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, इस
पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो क्या होगा, मान लीजिए इधर आप 4 मीटर चले हैं, इधर 5 मीटर चले हैं, तो अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं तो आप सीधा सा बताएंगे ये 4 था, सॉरी इसको मैं और बड़ा कर लेता हूं फिगर। देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट है और यहाँ पे आपको पहुंचना था, तो यहां से यहां तक की दूरी आपको 1 दी हुई है और यहां की दूरी 2 दी गई है, तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट पूछूं तो 1, 1, 2, x पे आपने 1 चला, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये y को, तो x पे 1 चला और y पे कितना चला, 2 चला, तो यहां से इसका कोऑर्डिनेट हमको मिल सकता है, यहां पे हमने x चला था, यहां पे y चला था, तो x y मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा, ये आपका पॉइंट यही जो है, यही आपका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो ये लाइन गई है, जो रिजल्टेंट को बता रही है, यही लाइन क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, आपके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, यहां से आर वेक्टर की वैल्यू चाहिए। अब देखिए, अब हमारा पुराना मेथड जो एडिशन के लिए हम लोग लगाते थे कि एक अगर हमारे दो साइड त्रिभुज के दो साइड किसी एक ऑर्डर में लिए गए हो, कोई एक वेक्टर आपका एक ऑर्डर में लिया गया हो, मतलब इस तरीके से फिर इस तरीके से, तो तीसरा साइड जो अपोजिट साइड में लिया गया हो वही उसका रिजल्टेंट को बताएगा, तो यहां से जो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, x प्लस y के टर्म में होगा, तो यहाँ पे देखिए x पे x के साथ यूनिट वेक्टर भी लगेगा, उसका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो x पे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, प्लस y पे आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, z कैप होता है, तो इस तरीके से हमारा पोजीशन वेक्टर निकल के आ जाएगा r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये फार्मूला आपको समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कैसे होगा, ठीक है। ये आपको चीजें बताई जा रही हैं कि अगर स्पेस में कोई भी पॉइंट है कहीं पे भी रखा गया है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है तो 6 और 5 है, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है 6, 5 है, इसका पोजीशन हमको बताना है, तो डायरेक्टली हम लोग वेक्टर से इसका पोजीशन लिख सकते हैं 6i कैप + 5j कैप, इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली इसका पोजीशन लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो यही चीज थी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कि ये किसी भी स्पेस में कोई भी पॉइंट दिया गया है, कोई बिंदु है स्पेस में, या स्पेस को आपको क्या कर स्पेस में कोई भी अंतरिक्ष कहते हैं ना, स्पेस को हिंदी में अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में कोई भी आपका बिंदु है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग वेक्टर से उसके पोजीशन को हम लोग बता सकते हैं, पोजीशन वेक्टर से उसके पोजीशन को बता सकते हैं। तो यही चीज थी पोजीशन वेक्टर में कि आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन हमने क्यों किया, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई दो वेक्टर अगर एक ऑर्डर में लिए गए हो, ए वेक्टर बी वेक्टर इस तरीके से, तो थर्ड अगर अपोजिट ऑर्डर में लिया गया हो तो वही रिजल्टेंट को बताएगा और रिजल्टेंट ए प्लस बी के बराबर हो, ठीक है। तो एडिशन का देखिए कितना बड़ा यूज आते चल रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो कार्टेशियन में भी इसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम जो दोनों लॉ मैंने बताए थे एडिशन के लिए, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ते रहिएगा, ऐसा ना हो कि वो चीजें आपको भूल जाए, उसके डिफिनेशन भूल जाए, ठीक है, उसके डिफिनेशन एग्जाम्पल वो सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। इसीलिए मैंने एडिशन वाले पार्ट में मैंने 2 क्लास लिया है और 2 क्लास में भरपूर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर निकल गया यहाँ पे आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो किसी वेक्टर का एक क्वेश्चन भी मान लीजिए मैं दे दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई आपका ये है आपके कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है पी है,
ठीक है, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 और 2 दी गई है, और मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पे है क्यू है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 3 और -3 दी गई है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होते हैं, इसमें प्लस होता है, इसमें आपका ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस होता है, और इसमें माइनस और प्लस होता है, और इसमें दोनों माइनस होता है। तो उस तरीके से आपके वो ये दोनों कोऑर्डिनेट आपके दिए गए हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको इस तरीके से दिए गए हैं। अब पूछ रहा है कि इनका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा और क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ठीक है, इनका पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है आपसे, तो आप यहां से डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसलिए समझाई जा रही है, ये सारी चीजें आपको इसलिए समझाई जा रही हैं कि ये फॉर्मूला जो आते चल रहा है वो आया कहां से, ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज यहाँ पे आ रही है वो कहां से डेवलप हुई है। वो चीज अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए पी का पोजिशन वैक्टर पूछा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे कि आर वेक्टर बराबर, आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यही होता है, इसको आर वेक्टर से दिखाते हैं और यही आपका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर से दिखाते हैं। तो मान लीजिए आर रिजल्टेंट पी वेक्टर का, पी का जो पोजीशन वेक्टर है इसको मैंने क्या दिखाया है, रिजल्टेंट जो है आर पी से दिखाया है। तो आर पी का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको 2x एक्सिस का आपका यूनिट वेक्टर 2i कैप प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2j कैप। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब वहीं पे मान लीजिए क्यू का बताना है, तो आर क्यू का जो रिजल्टेंट है उसका अगर आपको पोजीशन वेक्टर बताना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे -3i कैप और -3j कैप, मतलब माइनस का माइनस जैसे रहेगा उसी तरीके से हम लोग लिख देंगे और ij कैप उसको लगा देंगे, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर पता चल जाएगा किसी भी पॉइंट का, स्पेस में कहीं पे भी कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका एग्जांपल। वहीं पे बात करें कि अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछे और इसका डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि जो पोजीशन वेक्टर है वो कहाँ पे स्थित है, उसका दिशा क्या है, वो उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन के साथ साथ उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कैसे हो कि कैसे निकलेगा, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं। देखिए कैसे बताएंगे कि जो आर वेक्टर है उसका अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछ दिया जाए तो आप कैसे बताएंगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे अगर पूछा जाए तो डायरेक्टली अंडर रूट क्या करेंगे, x² + y² करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, x² + y² मतलब x वाला जो टर्म रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और y वाला जो टर्म रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा, किसको बताएगा, परिमाण को बताएगा, जो कि मैंने कई बार मैग्नीट्यूड की हिंदी मैंने आपको बताई गई है। ठीक है, तो ये चीज थी कि अगर जो वेक्टर स्पेस में प्रेजेंट है उसका अगर वैल्यू पता करना है तो इस वाले फॉर्मूले से पता कर लेंगे, अगर उसका डायरेक्शन हमको चाहिए तो उसका डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे। देखिए डायरेक्शन के लिए मैंने यूनिट वेक्टर, हम लोग हमेशा डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपका आर कैप है। ठीक है, आर कैप यूनिट वेक्टर यूज किया, आर कैप का फॉर्मूला, ए कैप का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा, तो ये सारी चीज आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो आर कैप का अगर डायरेक्शन आपको चाहिए तो आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर कर देंगे, मतलब जो मॉड ऑफ आर वेक्टर आएगा वो आप डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, x i कैप + y j कैप, तो यहाँ पे x i कैप + y j कैप
इस तरीके से अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर हम लोग रख देंगे, मतलब क्या करेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का हम लोग मॉड निकाल देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा, उसका डायरेक्शन निकल जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा किसी भी पोजीशन का, किसी भी पोजीशन वेक्टर का, तो यहां से हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे यही वाला फॉर्मूला मैं पिछले वाले क्वेश्चन में अप्लाई करूं, देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला है, मान लीजिए कि आरपी का हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तो आरपी की वैल्यू कितनी है, 2i प्लस 2j कैप। आरपी की वैल्यू एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, तो आरपी की वैल्यू कितनी है एग्जांपल में, तो आरपी की वैल्यू कितनी है, आरपी वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप है, इस तरीके से दिया गया है। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बस इसके मैग्नीट्यूड, इसका जो नंबर है मतलब x वाले पे जो इसका नंबर है 2 का स्क्वायर प्लस इस 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 2 4 और प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड आपका डायरेक्टली निकल गया। ये सारे फॉर्मूले बस दिखने में बड़े हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो ये सारे फॉर्मूले, क्योंकि वहां पे वैल्यू रहेगी तो ये फॉर्मूला आपका बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसका डायरेक्शन भी पता कर लेते हैं, डायरेक्शन हमको चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला आर कैप हमारा क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 2j कैप अपॉन मॉड ऑफ r की वैल्यू कितनी आई है, रूट 8 आई है, तो यहाँ पे डायरेक्टली रूट 8 रख देंगे, तो इसका डायरेक्शन भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान इसका फॉर्मूला है और कितना आसान एक्सप्लेनेशन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इनसे कई सारे आपके बड़े लेवल में जाएंगे, जेई एडवांस लेवल में जाएंगे तो उनसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको बेसिक्स क्लियर रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन को करने में, ठीक है। बाकी मैंने फॉर्मूला आपका कहां से आया है इस चीज को भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये था आपका पोजीशन वेक्टर। अब आइए हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। अब हमको जानना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश, ठीक है। अब मैं ज्यादा चीजों की आपको इंग्लिश नहीं बता रहा हूँ, धीरे धीरे मैं इंग्लिश कम करते जा रहा हूँ, लेकिन जो भी नए वर्ड आ रहे हैं उनका हिंदी में जरूर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। विस्थापन सदिश देखते हैं क्या होता है, ठीक है। विस्थापन सदिश क्या होगा, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो कि मतलब डिस्प्लेसमेंट के रूप में अप्लाई हो। जैसे मान लीजिए पहले डिस्प्लेसमेंट जो आपका होगा उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले उसको समझ लेते हैं, बाद में इसको समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका कैसे अप्लाई करना है। तो पहले एक आप मान लीजिए कि एक नोट पॉइंट में ऐड कर लीजिए, नोट पॉइंट में ऐड क्या करना है आपको, कि मान लीजिए कि आपको दो वेक्टर दिए गए हो, मान लीजिए ए वेक्टर आपका इस तरीके से है, बी वेक्टर आपका इस तरीके से है, ये दोनों क्या है, ये टेल टू टेल मैच किए गए हैं, टेल टू टेल मैचिंग की गई है। कैसी मैचिंग की गई है, टेल टू टेल मैचिंग की गई है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है जिनकी मैचिंग टेल टू टेल मैचिंग की गई है, अगर हम उसके हेड को, इस दोनों के हेड को हम लोग इस तरीके से मिला दें, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, ठीक है। तो हमने आपको सिखाया है, ट्रायंगुलर लॉ में बताया है, ट्रायंगुलर लॉ से, कि अगर दो साइड
दो साइड अगर किसी ऑर्डर में लिए गए हों किसी त्रिभुज के, तो तीसरा जो भुजा होगा वो उसके अगर वो अपोजिट ऑर्डर में लिया गया हो। देखिए इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर है, तो इसका एरो नीचे होना चाहिए था लेकिन इसका एरो ऊपर है, तो यही जो चीज है बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी वो हम यहां से बता सकते हैं कि जैसे हमने ट्रायंगुलर लॉ लगाया था सेम वही चीज है। लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट को आप मत सोचिए कि ये रिजल्टेंट की रिजल्टेंट हमको निकालना है। हमको मान लीजिए कि हमको बी वेक्टर निकालना है, ठीक है, हमको ए वेक्टर निकालना है, हमको क्या करना है डायरेक्टली दो वेक्टर हमको दिए गए हों, कोई भी वेक्टर, पी वेक्टर दिया गया हो, क्यू वेक्टर दिया गया हो, दोनों टेल से टेल मैचिंग किए गए हो, अगर उनके दोनों हेड को अगर मिला दें तो हमारा जो आपका मान लीजिए ये वाला वेक्टर क्या होगा। तो हम लोग अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लगेगा, एकदम आसान लगेगा, एकदम इजी लगेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अगर इस तरीके से हम लोग किसी वेक्टर को ज्वाइन करते हैं तो जहां पे ये वेक्टर पहुंच रहा है, मतलब r बराबर क्या होता है, जहां पे ये वेक्टर पहुंच रहा है b वेक्टर के पास पहुंच रहा है, b वेक्टर माइनस a वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। ये कैसे आया इसको समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि हमने दो वेक्टर लिया, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों टेल टू टेल मैचिंग किए गए हैं, और मान लीजिए इसको हेड को, इन दोनों के हेड को हमने इस तरीके से मैच कर दिया, इन दोनों के हेड को इस तरीके से मैच कर दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारा ये वाला टर्म आना चाहिए, जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो बी माइनस ए के रूप में आना चाहिए, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, आपसे ये पूछ रहा है कि अगर कोई दो वेक्टर हैं, अगर उनको टेल टू टेल मैचिंग की गई है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर उनको टेल टू टेल मैचिंग की गई है तो b जो रिजल्टेंट होगा वो b माइनस a के बराबर आएगा, तो अगर ये चीज आप कैसे बताएंगे कि ये b माइनस a कैसे आ रहा है, इस चीज को मैं अब एक्सप्लेन करूंगा। देखिए कैसे आएगा, अब हमको क्या लाना है, b माइनस a लाना है, b माइनस a। देखिए कैसे आएगा, देखिए ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर देखिए, इसको मानिए कि ये आपका रिजल्टेंट कोई वेक्टर है, r वेक्टर है कोई, ठीक है। तो दो साइड अगर ट्रायंगल का एक ऑर्डर में लिया गया है तो तीसरा साइड अगर अपोजिट ऑर्डर में है तो वही हमारे रिजल्टेंट को बताता है। तो b वेक्टर बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ से हमारा b वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, r वेक्टर प्लस a वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं, देखिए एकदम सिंपल है, जो आपने एडिशन वाले लॉ पढ़े हैं ट्रायंगुलर लॉ, वही लॉ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। बस इसको ध्यान से हटा देना है कि जो रिजल्टेंट है वो आपका आर ही शो करेगा, आपका रिजल्टेंट बी भी शो कर सकता है, ए भी शो कर सकता है, आर भी शो कर सकता है, ठीक है। तो यहां से जो रिजल्टेंट आपका निकल के आया उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी माइनस ए हो जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ में आया गया, जो हमको प्रूफ करना था कि जो आपका r होगा वो b माइनस a के बराबर होगा, वो चीज यहां से क्लियर हो जा रही है। वही आइए इस वाले फॉर्मूले में हम लगाते हैं, देखिए यहाँ पे एक वेक्टर p है एक वेक्टर q है, अगर ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल मैच किए गए हों, तो अगर इन दोनों को हेड को मान लीजिए हम इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, तो रिजल्टेंट जो है वो आपका क्या आना चाहिए, जो आपका जहां पे ये हेड पोजीशन पहुंच रहा है जिस वाले वेक्टर के पास, क्यू के पास पहुंच रहा है, और माइनस जहां पे एंड हो रहा है माइनस पी वेक्टर, ये आना चाहिए। तो इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए हम लोग ट्रायंगुलर लॉ यूज करेंगे। देखिए दो वेक्टर अगर एक ऑर्डर में लिए गए हों, इस तरीके से एक ऑर्डर में लिए गए हों, तो तीसरा वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर में लिया जाता है वही उसका रिजल्टेंट होता है। तो यहां से क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर प्लस पी वेक्टर हो जाएगा ट्रायंगुलर लॉ से। अब देखिए आर वेक्टर की वैल्यू चाहिए तो पी को इस साइड लेके आएंगे तो क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ठीक है। तो ये बात जो मैं कह रहा हूं कि
जो आपका आर वेक्टर, दो वेक्टर अगर टेल टू टेल मैच किए गए हो तो उनका जो उनका, और मान लीजिए किसी वेक्टर को दो वेक्टर अगर टेल टू टेल मैच किए गए हो तो तीसरा वेक्टर जो हेड को ज्वाइन कर रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जहां पे ये वेक्टर पहुंच रहा है माइनस जहां पे ये वेक्टर एंड हो रहा है उसके बराबर होगा। ये चीज आपकी यहां से क्लियर हो जा रही है, ठीक है। तो ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं अभी आपको, जब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब बताऊंगा तो आपको इस चीज का यूज पता चलेगा कि इस चीज का यूज कैसे करना है। देखिए अब आपका यूज करना है इसका, ठीक है, अब हमको यूज करना है इस चीज का यूज कैसे करेंगे। अब आपको मजा आएगा पढ़ने में कि ये चीज अगर आपको पता चल गई तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका एकदम आसान है। देखिए इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि जो आपका क्या करता है, द वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डिफिनेशन होता है उसको मैं लिख दे रहा हूं पहले, द वेक्टर विच ज्वाइन इनिशियल वेक्टर टू फाइनल वेक्टर। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपसे अगर कोई पूछ दे तो आप डायरेक्टली बता दीजिएगा कि ऐसा वेक्टर जो कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब हमको क्या पढ़ना है, कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ना है। तो हम वही अपना एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे इस तरीके से, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब हमको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट किसी दो वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट बताना है। कि मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर मान लीजिए इस तरीके से है और एक वेक्टर इस तरीके से है। ठीक है, कोई दो वेक्टर हैं, मान लीजिए एक वेक्टर r है वो कुछ समय के एक वेक्टर r1 है वो कुछ समय बाद r2 पोजीशन पे पहुंच जाता है, r2 वेक्टर पे पहुंच जाता है, तो इसका हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, मान लीजिए कोई दो आपका एक वेक्टर है r1 है वो कुछ समय बाद r2 वेक्टर पे पहुंच जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आपसे ये क्वेश्चन अगर कोई पूछ दे तो आप डायरेक्टली रूल यही वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वही अप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसी बात को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्यों ये फॉर्मूला आपका कैसे, क्या फॉर्मूला आपका आएगा, उस चीज को मैं पहले प्रूफ कर देता हूं। ठीक है, मान लीजिए दो वेक्टर हैं जो कि क्या हुआ है, दो वेक्टर r1 है, एक वेक्टर r1 है वो कुछ समय बाद r2 पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ यही हमको बताना है। यही मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो यहां से यहां तक हो रहा है ये आपका r वेक्टर है। हमने क्या माना, दो वेक्टर माना, दो वेक्टर माना नहीं है, मान लीजिए एक वेक्टर r1 है वो कुछ समय बाद r2 वेक्टर पे पहुंच जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने बताया कि देखिए दो वेक्टर, अब वही पुराना जो मैंने नोट पॉइंट में बताया आपको कि दो वेक्टर अगर टेल टू टेल मैच किए गए हों, दो वेक्टर अगर टेल टू टेल मैच किए गए हों, देखिए यहाँ पे क्या है, टेल टू टेल मैचिंग है, टेल टू टेल मैचिंग है। वही चीज यहाँ पे देखिए, पिछला वाला जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाले में। तो यहाँ पे दो वेक्टर अगर टेल टू टेल मैच किए गए हों और उनका जो अगर उनका उन दोनों के सिरों को मिलाते हुए अगर एक वेक्टर बनाए तो वो वेक्टर क्या होगा, जहां पे ये वेक्टर पहुंच रहा है माइनस जहां पे ये वेक्टर एंड हो रहा है आर वन हो जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आ जाएगा, R2 माइनस R बराबर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये आपका इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि
कि अगर दो वेक्टर टेल टू टेल मैच किए गए हों, अगर मैं उनको दोनों सिरों को मिला देता हूं, तो जहां पे वो सिरा पहुंच रहा है वो माइनस जहां पे वो सिरा एंड हो रहा है। ये सिरा कहां पे पहुंच रहा है? ये R2 के पास पहुंच रहा है, और यहां पे जो जहां पे ये सिरा एंड हो रहा है R1 के पास, इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो सॉरी यहां पे मान लीजिए कि ये आपका A B पॉइंट है, और यहां पे A B पॉइंट आपका ए बी पॉइंट से हम लोग कहां गया, यहां पे मान लीजिए कि आपका सी पॉइंट है। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा? हम क्या करेंगे, आर टू वैक्टर में से आर वन वैक्टर अगर घटा देंगे तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा किसी भी वैक्टर का। ठीक है, तो किसी भी वैक्टर का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो बस ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। मान लीजिए आपको ये वेक्टर, आपको मतलब यही वाला आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आपसे कोई डिफिनीशन भी पूछ दे तो आप डायरेक्टली बता दीजिए कि जो ऐसा वेक्टर जो कि क्या करे, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करे। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, यही वेक्टर आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, विस्थापन सदिश कहलाएगा। ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है, ओरिजिन आपका कोई सा भी हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सभी के लिए आपका सेम होगा, लेकिन जो पोजीशन वेक्टर होगा अगर हम ओरिजिन चेंज कर देंगे तो उसका डिस्प्ले आपका पोजीशन वेक्टर भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ गया। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई भी R2 की वैल्यू, मान लीजिए R2 की वैल्यू कितनी दी गई है, R2 का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, मान लीजिए इस A का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, X1 Y1 दिया गया है, और C का कोऑर्डिनेट X2 Y2 दिया गया है। इस तरीके से दोनों कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, तो अगर मैं R1 वेक्टर लिखना चाहूं इसके कोऑर्डिनेट से, तो पोजीशन A का पोजीशन वेक्टर हमको लिखना होगा, तो A का पोजीशन क्या हो जाएगा, X1 I कैप हो जाएगा और Y1 J कैप हो जाएगा। इस तरीके से R1 वेक्टर का आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, R2 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर अगर लिखना चाहें हम लोग तो क्या लिखेंगे, X2 I कैप प्लस आपका क्या हो जाएगा, Y2 J कैप हो जाएगा। इस तरीके से तो अब हमको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो R वेक्टर बराबर सीधे R2 माइनस R1 कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले X2 I कैप प्लस Y2 J कैप लिख देंगे, Y2 J कैप माइनस आपका क्या हो जाएगा, X1 I कैप प्लस Y1 J कैप हो जाएगा। इस तरीके से जो नॉर्मल एडिशन वाला मेथड मैंने अभी आपको बताया वही चीज यहाँ पे यूज हो रहा है। हमको यहाँ पे क्या करना है, R2 में से R1 घटा देना है, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, I वाले को I के साथ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, X2 माइनस X1 I कैप हो जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, Y2 माइनस Y1 J कैप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वेक्टर दोनों आपके R वेक्टर जो है वो इस फॉर्मूले से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी दो पॉइंट का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से भी इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब आपसे पूछ दे कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन भी आप बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, क्योंकि जो आर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका हमेशा एक वेक्टर ही होता है, तो उसका कुछ ना मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला हमने पोजिशन वैक्टर में बताया, तो हमको आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यहां से अंडर रूट क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी है,
या R1 यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू कितनी है, X2 माइनस X1 का स्क्वायर कर देंगे, X2 माइनस X1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर कर देंगे। आप फॉर्मूला देख के घबराइए मत, जब ये नंबर्स में आएंगे तो ये माइनस होके आपका एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्शन पूछ दे तो डायरेक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, मान लेंगे कि इसका डायरेक्शन आपका आर कैप से दिखाया गया है, तो आर कैप बराबर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये आपकी पूरी वैल्यू है, यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, यहाँ पे x2 माइनस x1 आई कैप है, सॉरी बच्चों कॉल आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये r वेक्टर कितनी वैल्यू यहाँ पे आई है, r वेक्टर की कितनी वैल्यू आई है, x2 माइनस x1 आई कैप और प्लस आपका क्या है, y2 माइनस y1 का j कैप, ठीक है। और अपॉन में आपका मॉड ऑफ मतलब अंडर रूट क्या आया है, ये आपका मॉड इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना आया है, x2 माइनस x1 का i कैप और प्लस y2 माइनस y1 का j कैप, ठीक है। इस तरीके से सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना, मैग्नीट्यूड हमको लिखना है, तो यहां से देखिए आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड। बस ये फॉर्मूला देखने में बड़ा लग रहा है, जब आप एक न्यूमेरिकल अभी मैं सॉल्व कराऊंगा देखेंगे ये वाला आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, बहुत समय से मैं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, और ये हम मतलब फाइनल में से इनिशियल को अगर घटा देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। यही चीज इसका मैंने फॉर्मूला भी निकलवा दिया, उसका मैग्नीट्यूड भी निकलवा दिया, इसका डायरेक्शन भी निकलवा दिया। तो आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट कोई स्पेस में ए है, वहां पे टू पॉइंट है और एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है जो कुछ समय बाद बी पॉइंट पे चला गया, बी पॉइंट पे वहां पे उसके कोऑर्डिनेट 2, 3 है मान लीजिए, ठीक है। क्या है यहाँ पे, मान लीजिए कि 4, 3 है, 4 और 3 है, ठीक। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर आपसे पूछ रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताने के लिए डायरेक्ट वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, मान लीजिए इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है r वेक्टर का, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, हमको फिगर कुछ नहीं बनाना है। तो हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है तो 4 माइनस 2 i कैप हो जाएगा और प्लस आपका j वाला एक साथ मतलब y वाले का यूनिट वेक्टर एक साथ, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, j कैप हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया, 2i कैप प्लस यहाँ पे 1j कैप हो जाएगा। इस तरीके से r वेक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इतना आ गया। और अगर आपसे पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, r का जो मॉड होगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो मतलब इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, यहां से 4 प्लस 1 5 मत 4 प्लस 1 अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि इसका ये जो पॉइंट बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम लोग डायरेक्टली कैसे उस फॉर्मूले पर डायरेक्टली रख के निकालना है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बस एक बार याद कर लीजिए कि हाँ कैसे हम लोग को माइनस करना है, मतलब हमेशा हमको फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना है, हमको हमेशा बी पॉइंट में से ए पॉइंट को माइनस करना है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए।
तो इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। अब अगर इसका डायरेक्शन आपसे पूछ दिया जाए, आर कैप की वैल्यू पूछ दी जाए, तो यहाँ पे आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो आर वेक्टर की वैल्यू 2i कैप है। आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर पूछ रहा है आपसे, मतलब डायरेक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे 2i कैप प्लस 1j कैप है, या 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ पे j कैप बस डायरेक्टली लिख दीजिए, j कैप आपका हो जाएगा अपॉन मॉड ऑफ r, इसी का मैग्नीट्यूड आपका कितना आया था, अंडर रूट 5 आया था, तो यहाँ पे डायरेक्टली अंडर रूट 5 रख दीजिए, तो इसका डायरेक्शन भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अप्लाई करेंगे, और ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों बच्चों आप ध्यान से पढ़िएगा, इनसे आप आगे के क्लासेस में जाएंगे, एमएससी भी करेंगे, तो वहां पे आपको जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, तो भी आपको क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो ये दोनों टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था। हमने पहले आपको डिस्प्लेसमेंट, लास्ट में डिस्प्लेसमेंट बताया था, और फिर इसके पहले मैंने पोजीशन वेक्टर बताया है। पोजीशन वेक्टर के साथ मैंने आपको दो वेक्टर को, दो से अधिक वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में दिए गए हो, तो ये चीज मैंने आज के क्लास में बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको एकदम एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया। ठीक है, तो जो भी आपका इस क्लास के रिलेटेड फीडबैक रहे, या कोई भी टॉपिक आपको कोई भी एग्जांपल नहीं समझ में आया है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े ही होंगे, तो वहां पे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।